रूस यूक्रेन युद्ध में जहां रूस अपने दम पर युद्ध लड़ रहा है, वहीं यूक्रेन की ताकत उसके पश्चिमी और नेटो सहयोगी हैं। इनकी मदद से यूक्रेन ने डटकर रूस का मुकाबला किया। हालांकि अब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एक बयान ने यूक्रेन के साथ ही पोलैंड और उसके अन्य सहयोगियों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। पुतिन के दोस्त माने जाने वाले लुकाशेंको ने सोमवार को कहा कि रूस ने उनके देश के लिए सामरिक परमाणु हथियारों की खेप पूरी कर दी है। लुकाशेंको ने रूस के नेतृत्व वाले इकोनॉमिक ब्लॉक की एक बैठक में कहा कि शिपमेंट अक्टूबर में पूरा हो गया था। लुकाशेंको ने एक बात नहीं बताई कि रूस से उन्हें कितने हथियार भेजे गए और उन्हें कहां तैनात किया गया है। लुकाशेंको के मुताबिक रूस द्वारा दिए गए इन सामरिक परमाणु हथियारों के जरिए वो नेटो देश पोलैंड की आक्रामकता को रोकेंगे। आपको बता दें कि सामरिक परमाणु हथियार लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलों में फिट किए जाने वाले ताकतवर परमाणु हथियारों की तुलना में कम रेंज और क्षमता वाले हथियार होते हैं। रूस के सैनिकों ने युद्ध के शुरुआती दिनों में बेलारूस की धरती से ही यूक्रेन पर आक्रमण किया था। हालांकि इसमें बेलारूस की भी सेना शामिल थी या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। रूस के लिए बेलारूस की धरती सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेलारूस की सीमा नेटो के तीन देशों पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया से मिलती है। पोलैंड इस युद्ध में अपने पड़ोसी यूक्रेन को सैन्य समर्थन देता रहा है, साथ ही रूस और बेलारूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का हिमायती रहा है। वैसे तो लुकाशेंको ने कहा कि अपने देश में रूसी परमाणु हथियारों की मेजबानी का मतलब पोलैंड की आक्रामकता को रोकना है, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती के असल मायने साफ हैं। इस युद्ध में रूस बेलारूस का इस्तेमाल अपने हक में करके नेटो देशों पर दबाव और डर की रणनीति अपना रहा है और खुली चुनौती दे रहा है। अब आगे का कदम जो भी हो, लेकिन रूस की मंशा खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं, और यही वजह है कि इस खबर ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है।